कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के शुरुआती दौर में मची अफरा तफरी के बाद अब सब्जियों के दामों में काफ़ी गिरावट नजर आ रही है। रविवार को महेवा मंडी में सब्जी के विक्रेताओं ने कहा कि शुरुआती दौर में सब्जियों के दामों के बाद अब सब्जियों की आवक में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण सब्जी के दामों में गिरावट आई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महेवा मंडी परिषद के सचिव सेवाराम वर्मा, निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव, मंडी समिति के महामंत्री फिरोज अहमद राइन, थोक सब्जी विक्रेता शम्स तब्रेज, मुकेश कुमार, मोहम्मद अतहर अली, फल विक्रेता धीरज कुमार, सुभाष चंद सोनकर ने कहा। हमारा नाम धीरज कुमार है। लॉकडाउन से पहले तरबूजा जो है 15-16 रुपये बिकता था, उस समय ग्राहक रहते थे। लॉकडाउन के बाद ग्राहक ही नहीं है, सारा माल हमारा बिक नहीं रहा, सब सड़ सड़ फेंका रहा है। आप किस चीज़ के व्यापारी हैं? हम तरबूज के व्यापारी हैं। इस समय आपके यहाँ तरबूज कैसे है? इस समय तरबूज 10 रुपये किलो नहीं, कोई पूछ रहा है। 7-8 रुपये बिक रहे, जिसमें काफ़ी जो है माल सड़ भी चुका है, कोई लेने वाला नहीं है। जब ग्राहक ही अंदर नहीं आ रहे हैं, जो फुटकर व्यापारी थे आते थे ले जाते थे, वो आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा माल सब सड़ सड़ बाहर फेंका रहा है। सुभाष चंद सोनकर। लॉकडाउन की वजह से बहुत अंतर आया है। मैं सुभाष चंद, मैं आरती हूँ गोरखपुर का। अब उस समय अंगूर की पोर्शन जो है 15-20-25 रुपये किलो की चल रही थी, पाव की चल रही थी। अब इस समय जो है 15-20 रुपये किलो की पोर्शन चल रही है। ये अनार था, ये अनार की पोर्शन पहले 100-70 रुपये किलो की पोर्शन में थी, अब यहाँ पे जो इसकी 40 रुपये किलो की पोर्शन में चल रही है। ये लॉकडाउन की वजह से पैकार न आ रहे हैं, न खाने वाले हैं, न कोई है, लेकिन किसी तरह हम लोग भी पब्लिक की सेवा भी कर रहे हैं कि चलो भाई नहीं कमाएगी कोई बात नहीं है भाई। वैसे ही तिल्लत तो भी हो चुकी है हमारे पूरे प्रदेश, पूरे वर्ल्ड की, इसलिए जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक हम लोग कर रहे हैं कि पूरा सहयोग पब्लिक की कर रहे हैं। मुकेश कुमार। पहले से स्थिति बहुत बन गया है और सब्जियों के रेट में, आलू प्याज के रेट में सब में गिरावट है। हाँ, पहले से और अब में बहुत फर्क है, समझ लीजिए काफ़ी मात्रा में माल भी आ रही है। आलू बिक रहा है वही 17-18-16 रुपये, और सफ़ेद आलू बिका है 14 रुपये, प्याज बिक रहा है 18-20। लॉकडाउन के पहले बहुत तेजी थी, आलू में आमदनी भी कम आ रही थी, लेकिन लॉकडाउन के लगने के बाद सब्जियां भी भरपूर मात्रा में मंगाया जा रहा है और आलू भी, इसको देखते हुए दिन ब दिन रेट भी कम हो रहे हैं और कोई बढ़ोतरी उसके अंदर नहीं हो रही है रेट में। और यहाँ पे मंडी में पर्याप्त है, सब्जी है, आलू है, सभी चीज़ें, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और शहर में हर लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में रखे हुए भी हैं, स्टोर किए हुए हैं, और यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं की जा रही है। रेट की स्थिति में आप देख लीजिए, उस समय 1800-1900 रुपये बिकता, इस समय 1500 रुपये हो गया। सफ़ेद आलू 1400-1500 रुपये का हो गया, लाल आलू 1700 हो गया, 2200 रुपये बिकता था, किसी चीज़ कमी नहीं। गिरावट आती चली आ रही है लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा है, अब माल भी मंडी में बहुत है। मेरा नाम शम्स तब्रेज। पहले के अभाव में आज के डेट में सब्जी की गिरावट बहुत ही काफ़ी है, आलू प्याज में भी, सब्जी में भी। जो पहले तेज़ी थी, उस तेज़ी को लॉकडाउन जब से हुआ उस रेट और स्तर गिर गया है, इसका रेट में बहुत काफ़ी गिरावट है। पहले की तुलना में इस समय कितना अस्तर आया? कम से कम पहले की तुलना में और आज की तुलना में समझिए 50% का अंतर है। फिरोज अहमद राइन, मैं व्यापारी हूँ। इस समय लॉकडाउन को देखते हुए सब्जियों के रेट में बहुत काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि आमदनी और आवक सब्जियों आलू प्याज के बहुत काफ़ी है, और लॉकडाउन
जो हुआ है घर घर डोर टू डोर सब्जियां व्यापारी हम लोग मिल के पहुँचवा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब्जियां पे पहुँचाने में और आलू प्याज पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत काफ़ी आलू प्याज के रेट में गिरावट आई है, आज का रेट आलू लाल 17 रुपये थोक में खुला है, 14 रुपया थोक में खुला है, इससे पहले 22 रुपया था, 26 रुपये था, इससे पहले ज़्यादा था, अब बहुत काफ़ी 3-4 रुपये की गिरावट आई है, 300-400 रुपये कुंटल की गिरावट आई है आलू में, प्याज में भी गिरावट आई है, इससे पहले क्या था, इस समय क्या है? ये पहले प्याज था, बंगाल की प्याज पहले 21 रुपये थी, नासिक की प्याज पहले 25 रुपये थी, 23 रुपये थी पहले, आज के डेट में नासिक की 20 रुपये 21 रुपये हो गया, शाहजहाँपुर की प्याज पहले थी 22-23 रुपये थी, आज के डेट में 20 रुपये हो गया प्याज। मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है, मंडी निरीक्षक गोरखपुर। सब्जियों के रेट जो है पहले से कम हुए हैं और उसका कारण था प्रॉपर आवक का होना, प्रॉपर आवक रही इस वजह से सब्जियों के जो है रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, अस्थिर ही रहे लगभग। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा तो गिरावट नहीं आई, लेकिन ये है कि जो उछाल सामान्य दिनों में होता था वो उछाल नहीं हुआ है, प्रशासन का इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान है, प्रशासन ने पूरा प्रयास किया था कि जमाखोरी न हो या कालाबाजारी न हो, उसके चलते प्रशासन के कार्यों के चलते और उसकी मेहनत के चलते जो है सब्जियों के रेट स्थिर रहे। प्रत्येक प्रकार की सब्जियों की आवक भरपूर है, वर्तमान में आज के 4-5 दिन पहले जो रेट थे पर डे गिरावट हो रही है, आज भी कल की अपेक्षा 10% लगभग रेट रोज़ कम हो रहे हैं, काफ़ी सस्ती हैं, आज के एक हफ्ते पहले से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तब में आज के रेट में लगभग 20-25% की कमी आ गई है। सर कितना आलू लगभग गिरावट आज के रेट में? आज आलू का रेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पहले 1600-1700 रुपये तक भी पहुँच गया था, आज की स्थिति है कि वो 1400 रुपये में बिक रहा है। प्याज के रेट में सर कितना गिरावट? प्याज भी जो आज प्याज है हमारी बंगाल वाली प्याज 1600 रुपये में है, जो प्याज पहले 2000 रुपये में थी वो 1600 में बिक रही है। जनता के लिए सर क्या संदेश है? जनता को के लिए संदेश ये है कि वो सब्जियों या किसी भी चीज़ का स्टोर ना करें, हर चीज़ की आवक भरपूर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई अफरा तफरी की कोई माहौल नहीं है, उनके उन्हें सदैव सब्जियाँ और फल निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।